Hello students, welcome back to your online video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. तो बच्चों आज हम लोग आज के वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. वोल्ट का डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद करंट और फिर सर्किट डायग्राम, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, है ना. लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ये दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता था और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. ओके, आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के ही जो मतलब क्या कह सकते हैं उसे डेफिनेशन है, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और वन वोल्ट का क्या मतलब है उस चीज़ को समझेंगे. ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वन वोल्ट, इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल एट ए पॉइंट का मतलब, जैसे सपोज कर लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. इस पॉइंट का पोटेंशियल, सपोज ये पॉइंट ए है, यहाँ का पोटेंशियल वी ए, ये और एक पॉइंट है सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल हम बोलते हैं वी बी. ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी. ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी. अगर हम एक चार्ज को यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक आते हैं तो हम लोगों को कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, डिवाइडेड बाई कितना चार्ज को मूव किए. ठीक है, तो वो हमें देगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स will be the work done in moving a unit positive charge from one point to the other point, है ना. तो potential difference that is VA minus VB will be equal to work done by charge moved, है ना. तो ये formula निकल कर आता है. अच्छा, अब हम लोग पूछेंगे कि potential difference, ठीक है, हम लोग generally VA minus VB ऐसे करके नहीं लिखते बच्चों, हम लोग generally V लिखते हैं. तो आप समझ जाओगे जहां पर भी लिखा गया है वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है ना. दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड. ठीक है, अच्छा, तो इसका वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, है ना. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस is equals to joule by coulomb which is equals to volt. So 1 joule by 1 coulomb is equals to 1 volt. कैसे define करते हैं बच्चों, the potential difference between the potential difference between two points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb. Okay, 1 coulomb from one point to another. ओके, तो दो पॉइंट है बच्चों, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, मतलब के 1 जूल का वर्क किया गया है 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. मतलब 1 कूलम के चार्ज को अगर आप यहां से यहां तक लेकर के आते हो और आपको 1 जूल का काम करना पड़े, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना, 1 वोल्ट का है. ठीक है, फिर से सुनो, दो पॉइंट्स, एक पॉइंट से आप 1 कूलम का चार्ज लिए और इस पॉइंट से मूव करते करते इस पॉइंट तक आए, और अगर 1 कूलम के चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने में आपको 1 जूल का काम करना पड़ा, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है. इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है. ओके, अच्छा, तो ये तो हो गया बच्चों वोल्ट, दैट इज 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय कूलम. ओके, 1 जूल बाय 1 कूलम. ओके, इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं.
अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किससे करते हैं, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वी यूज ए डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स ओके ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट ओके तो हमारे पास मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं. ओके वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट. ओके वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट. ओके और क्या बच्चों, जो वोल्ट मीटर हम लोग यूज करेंगे, द वोल्ट मीटर शुड बी मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस. ओके उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए. ओके द वोल्ट मीटर शुड बी मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस. ओके ओके अच्छा जैसे एग्जाम्पल एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं वोल्ट मीटर कनेक्शन का. ठीक है वोल्ट मीटर कनेक्शन. ओके वोल्ट मीटर कनेक्शन का डायग्राम देखो बच्चों. जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक सर्किट है, एक सेल लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है. ठीक है एक सेल लगा हुआ है और एक स्विच लगा है और यहां से वायर सपोज कर लो ऐसे आया. ठीक है और यहां पर सपोज कर लो एक बल्ब लगा है. ओके अब हम बोलेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब. ठीक है अक्रॉस द बल्ब यानी कि बल्ब को कितना पोटेंशियल मिल रहा है, बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है जानने के लिए बल्ब के अक्रॉस इस एंड में और इस एंड में दो पॉइंट चूज करेंगे बच्चों, है ना? इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा वही बल्ब को मिल रहा होगा. तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पैरेलली हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे. क्या लगा देंगे? एक वोल्ट मीटर लगा देंगे. ठीक है अब ये वोल्ट मीटर सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये वोल्ट मीटर हमें बता देगा वी ए माइनस वी बी का वैल्यू यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, जिसे हम लोग वी करके डिनोट करते हैं. ठीक है तो वोल्ट मीटर क्या बता देगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है. मान लो स्विच ऑन होना चाहिए ऑब्वियसली. इस पॉइंट का पोटेंशियल है सपोज कर लो 15 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल है सपोज कर लो 10 वोल्ट. तो बल्ब को कितना मिला? 15 माइनस 10 दैट इज 5 वोल्ट. दैट इज 5 वोल्ट. तो हम बोलेंगे द पोटेंशियल अक्रॉस द बल्ब इज 5 वोल्ट, है ना? तो हम लोगों को जिसके अक्रॉस, है ना, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करना होता है, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, हम लोग उसी दो पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं अपने वोल्ट मीटर को पैरेलली. ठीक है पैरेलली. ओके तो ये है बच्चों मतलब वोल्ट मीटर से रिलेटेड कुछ बातें. ठीक है अच्छा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस. ठीक है हाई रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं? हाई रेजिस्टेंस ठीक है ताकि इधर कोई करंट ना जाए या फिर मिनिमम करंट जाए. ठीक है करंट हम लोगों का बल्ब के थ्रू ही जाना चाहिए बच्चों, वो आगे चलकर जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है तो फिलहाल तो तुम्हें बस इतना ही याद रखना है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए. ओके अच्छा उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों. सपोज हम लोगों को दिया है हाउ मच एनर्जी
is given to each coulomb is given to each coulomb of charge. How much energy is given to each coulomb of charge, okay, passing through a 6 volt battery, passing through a 6 volt battery. ठीक है, तो एक 6 volt battery है, ठीक है, और उस 6 volt battery के across उसका voltage दिया गया है, V का value दिया गया है कितना, 6 volt. ठीक है, वो बोल रहा है पर कूलम, यानी कि चार्ज का वैल्यू दिया गया है 1 कूलम. पर कूलम मतलब क्या, 1 कूलम. और हम लोगों को पूछ रहा है एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी वर्क के बराबर होगा बच्चों, है ना. इक्वेशन हमारे पास है वी इज इक्वल्स टू वर्क बाई चार्ज, दैट इंप्लाइज वर्क इज इक्वल्स टू वी इन टू चार्ज. ओके, और वर्क जितना करेंगे उतना ही तो एनर्जी उसे मिलेगा, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू वी इन टू चार्ज, दैट इज 6 वोल्ट इन टू 1 कूलम, That is 6 joule. That is 6 joules. है ना? तो जब एक 6 volt के battery के across, ठीक है? जब एक 6 volt के battery के across एक charge move करता है 1 coulomb का, तो उसे energy कितना मिल जाता है? 6 joule के बराबर. 6 joule के बराबर. Okay? तो ये एक example हो गया बच्चों. अब आगे बढ़ते हैं. Next जो हमारा topic है, that is कि हम लोग तो ये देखे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, किस गति से इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है ना, पर सेकेंड, और दैट इज पर यूनिट टाइम. ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना. तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ना चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ओके, चार्ज बाय टाइम. ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल क्या यूज किया गया, दैट इज आई. चार्ज का सिंबल क्या है बच्चों, क्यू. टाइम का सिंबल क्या है, टी. तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी. ठीक है, फिर ये तो सिंबल्स हो गए, यूनिट क्या है, है ना. तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल्स टू चार्ज, दैट इज क्यू बाय टी. अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या है बच्चों, कूलम. टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड. तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया ना, एसआई. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा बच्चों, एसआई यूनिट ही. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को ही क्या कहा गया बच्चों, एम्पियर. कूलम पर सेकंड को क्या कहा गया ना, एम्पियर. ओके, कूलम पर सेकंड को क्या कहा गया, एम्पियर. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड. कूलम पर सेकेंड, एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड. ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि 1 एम्पियर करंट हम लोग किसे कहेंगे, है ना. तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. ओके, डिफाइन करते हैं. ओके, डेफिनेशन. Now, if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge flows through a conductor, if 1 coulomb of charge flows through a conductor
पर सेकेंड, देन द करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर. अगर 1 कूलम चार्ज कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है पर सेकेंड, है ना, जैसे सपोज कर लो यहां एक कंडक्टर है बच्चों, आप इस पॉइंट पर देख रहे हो, है ना, और इस पॉइंट से सपोज कर लो 1 कूलम चार्ज फ्लो करके जाता है पर सेकेंड, है ना, 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है पर सेकेंड, तो इस कंडक्टर में करंट कितना होगा ना, 1 एम्पियर. इस कंडक्टर में कितना करंट होगा ना, 1 एम्पियर. ठीक है, तो हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है. अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड तो करंट होगा 1 एम्पियर, करंट होगा 1 एम्पियर. ओके, अच्छा, 1 एम्पियर एक बड़े अमाउंट का करंट है बच्चों. ठीक है, तो इसके छोटे यूनिट्स क्या है. ओके, तो 1 एम्पियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को. 1 एम्पियर क्या होता है फिर से देख लो. जैसे सपोज कर लो एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर से सपोज कर लो 1 कूलम का चार्ज निकल रहा है पर सेकेंड, चार्जेस निकल रहे हैं, और कितना चार्ज निकल रहा है, 1 कूलम का चार्ज पर सेकेंड, तो हम बोलेंगे कि करंट कितना है ना, करंट हो गया 1 एम्पियर, करंट हो गया 1 एम्पियर, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज निकल रहा है पर सेकेंड. ओके, अच्छा, अब इसके बाद, ओके, सो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के छोटे यूनिट्स क्या हैं जो यूज किए जाते हैं, एक है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, दैट इज लिखा जाता है स्मॉल एम कैपिटल ए, और वैल्यू कितना होता है 10^-3 एम्पियर के बराबर. और एक यूज होता है बच्चों, दैट इज माइक्रो एम्पियर. ओके, माइक्रो एम्पियर लिखा जाता है म्यू ए, और वैल्यू होता है 10^-6 एम्पियर. ओके, तो ये कुछ छोटे यूनिट्स हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किए जाने के लिए. ठीक है, अच्छा, अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम लोग डिवाइस कौन सा यूज करेंगे ना, टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, फ्लोइंग इन ए सर्किट, we use a device called ammeter. okay, तो करंट मेजर करने के लिए बच्चों हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, ammeter. अब ammeter कैसा होना चाहिए ना, ammeter should have low resistance. एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस. और दूसरा चीज, एमीटर का कनेक्शन कैसा होता है ना, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, इन सीरीज विद द सर्किट. ओके, तो एमीटर का कनेक्शन कैसा होता है बच्चों, सीरीज. इससे पहले हम लोग पढ़े थे वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल. ठीक है, मतलब एमीटर कनेक्ट करना है तो देखो ऐसे करेंगे, सपोज कर लो ये एक सेल है, बैटरी है, यहाँ सपोज कर लो एक स्विच लगा हुआ है. ठीक है, फिर यहाँ से कनेक्शन ऐसा है, यहाँ पर एमीटर लगा दिए. ठीक है, और फिर यहाँ पर जो आपको बल्ब लगाना है, जो लगाना है, यहाँ पर लगाओगे ऐसे. ठीक है, ओके, इस तरीके से. तो यहां देखो जो करंट निकलेगा बच्चों इस सेल से, ठीक है, वो स्विच के थ्रू होते हुए, एमीटर के थ्रू होते हुए, बल्ब के थ्रू वही करंट फ्लो करके आएगा, है ना. तो एमीटर हमें बताएगा सर्किट में कितना करंट है, सर्किट में कितना करंट है. तो एमीटर का कनेक्शन कैसा होना चाहिए, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए. ओके, अच्छा, अब
क्योंकि जो करंट यहाँ से निकल रहा है बच्चों बैटरी से या सेल से, वो पूरा का पूरा करंट एमीटर के थ्रू फ्लो करेगा, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, यानी कि एमीटर करंट को रोकने वाला ना हो। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा, यानी कि सर्किट में करंट ड्रॉप कर जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एमीटर का काम करंट मेजर करना है, सर्किट में करंट को बढ़ाना या घटाना नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए एमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग कम रखते हैं, कम से कम रखते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि सपोज हम लोगों को बोला गया कि अन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट, अन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। ओके, अन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, मतलब ड्रॉ मतलब क्या, सर्किट से वो उतना करंट ले रहा है। ठीक है, कितने समय तक लिया, 20 मिनट्स तक। हम लोगों से पूछा कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके, तो अभी अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखा था बच्चों, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, है ना। हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज विल बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा करंट कितना है, दैट इज 0.25 एम्पियर इनटू टाइम कितना है, 20 मिनट्स। लेकिन बच्चों मिनट जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 20 इंटू 60, दैट इज 1200 सेकेंड्स, है ना। तो इंटू 1200 सेकेंड्स करोगे, ठीक है, दैट इज 300 जूल, सॉरी 300 कूलम। ओके, 300 कूलम, तो क्यू का वैल्यू निकल कर आ गया कितना ना, 300 कूलम। ओके, 300 कूलम। ओके, तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल, है ना। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को अगर एक इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ओके, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाउ कैन वी गेट ए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हाउ कैन वी गेट ए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, तो एक्चुअली में सवाल हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि अगर हम लोगों को चार्जेस को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना है, अगर हम लोगों को चार्जेस को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक डिफरेंस है तब तक फ्लो है। तो इन ऑर्डर टू गेट ए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इन ऑर्डर टू गेट ए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट वी हैव टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, है ना। ऑब्वियसली चार्ज फ्लो कहाँ करेगा, कंडक्टर में करेगा, अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, तो या फिर जो भी हमारा अप्लायंस है, ठीक है। ओके, तो बात को समझो बच्चों, बहुत ही सीधा सा बात है, आसान से समझ, मतलब समझ जाओगे आसानी से। वो पूछ रहा है कि हाउ कैन वी गेट ए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली हमें कैसे मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो ऑफ चार्जेस से बनता है। तो वो अल्टीमेटली हम लोगों से पूछ रहा है कि हम लोग कंटिन्यूअसली चार्जेस को फ्लो कैसे कराएंगे, और चार्जेस फ्लो कैसे होता है बच्चों, डिफरेंस की वजह से। और चार्जेस का फ्लो कब होगा, जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। तो जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है,
ओके, हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरीके से, ये एंड का नाम सपोज ए, ये एंड का नाम सपोज बी। हम चाहते हैं कि इसमें से कंटिन्यूसली करंट यानी कि चार्जेस फ्लो होते रहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एंड का और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज कर लो इस एंड को हम कनेक्ट कर देते हैं 10 वोल्ट के साथ और इस एंड को हम कनेक्ट कर देते हैं 0 वोल्ट के साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 माइनस 0, दैट इज 10 वोल्ट, है ना। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा, समझ में आ रहा है। तो इन ऑर्डर तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है, इसीलिए देखते हो हम लोग सेल बैटरी ये सब यूज करते हैं करंट फ्लो करवाने के लिए। तो ये तो हो गया कि हम लोग कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट कैसे पाएंगे। अब कौन हम लोगों को प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस वी यूज सेल और बैटरी। बैटरी इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके, सेल बैटरी मेन्स, है ना। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है बच्चों उसे मेन्स कहते हैं, ठीक है, जनरेटर, ओके। तो ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे वो एक सेल हो, चाहे वो एक बैटरी हो, चाहे हमारे घर में आने वाला मेन्स हो, चाहे वो जनरेटर हो, ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ये लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। जब आप एक बैटरी खरीदते हो बच्चों, पेंसिल बैटरी कुछ इस तरीके का दिखता है ना। उसका एक पॉजिटिव एंड होता है, तुम देखोगे अगर बैटरी में लिखा होगा एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इस तरीके से लिखा रहता है। और बैटरी के जिस मतलब रैपर में वो बैटरी आता है उसमें तुम देखोगे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, मतलब एक एंड और दूसरे एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये बैटरी से अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे अब किसी चीज को, सपोज एक बल्ब को कनेक्ट कर दिए, तो वो बल्ब ग्लो करने लगता है बिकॉज उसके थ्रू करंट फ्लो करता है। और करंट क्यों फ्लो कर रहा है, बिकॉज बैटरी का जो दो एंड है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फ्लो यानी कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और उसे प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी क्या है, ना हमें मेंटेन करना पड़ेगा क्या, ना पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों तब तक इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का अस्तित्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कंटिन्यूसली कैसे पा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को किस चीज़ का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।